धारणा आपके मन से भी खत्म हो और लोगों के मन से भी खत्म हो, तभी यह खत्म होगा, नहीं तो ये चलने वाला है। इसको नाटक करके हम खत्म नहीं कर सकते। दूसरा कुछ तथ्यात्मक चीजें जो नेमिश रैली ने कुछ बताया भी, 1986 में हंस रजिस्टर हुआ, 1986 युद्ध मारनी 1985 में पहला अंक छपा और उसमें प्रहलाद चंद दास जो दलित राइटर है लटकी हुई शर्त उनकी पहली कहानी छपी, तो पूरे उस समय बिहार झारखंड एक था, हंगामा मच गया, सम्मेलन हुआ 97 में उसे मोहनदास नेमिश राय और पूरे भारत के दलित लेखक जुटे थे, मुंडा जी थे, सूर्यपाल चौहान थे, चवनलाल जी थे, कुसुम जी थे, मैं भी था, आप भी थे और सुशीला टाकुरे थी, कुसुम ताई थी, गंगाधर पांडे थे, विनोद कीर्ति थे, लक्ष्मण थे, सब यानी के शरीर वाले मारे सब आए थे। तब रुद्रत आम आदमी के विशेषज्ञ निकलने शुरू हुए थे, तो हम लोगों ने 7 अंक निकाले थे रुद्रत आम आदमी के दलितों पर, मतलब पूरे उस समय भी 9 भाषाओं का हिंदी में अनुवाद करवा के, उस समय आप लोग सब युवा थे, अभी भी युवा आप तो चिर युवा लेकिन मेरा कहने का मतलब उस समय ये लोग सब अभी उठ रहे थे। मुझे याद है इनकी एक कहानी अपना गांव हंस ने लौटा दी थी और हम लोगों ने छापी थी, याद होगा आपको, और वो बेस्ट कहानी मानी गई थी, जो लौटाई हुई कहानी थी वो बेस्ट कहानी मानी गई थी दलित कहानियों में अपना गांव, क्योंकि इन्होंने अम्बेडकर की दलितों को शहर में जाना चाहिए, गांव छोड़ देना चाहिए, उस प्रिंसिपल पर इन्होंने बात उस कहानी में उठाई थी और उस मुद्दे को इन्होंने बड़े अच्छी तरह रखा था और औरतों को नंगा करने का मुद्दा भी उस पर इन्होंने उठाया था। न्याय और अन्याय ये भी एक सापेक्षिक शब्द है, सापेक्षिक शब्द है, आपकी नजर में जो न्याय हो दूसरे नजर में वो अन्याय हो सकता है, लेकिन जो बहुजन को न्याय दे उसकी मान्यता होती है और दुर्भाग्यवश या ये विडंबना है कि हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में जो बहुजन को अन्याय दे और जो अल्पसंख्यक को न्याय देता है वही न्याय है, यानी 95% न्याय से बाहर और 5% उनकी न्याय में कसौटी में आती। देखिए मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवादी दलित भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही दलित ओ ब्राह्मणवादी हो, दलित भी हो सकता है, ये एक अंदर की एक अवधारणा है कि उसको मारना बहुत जरूरी है। इतना कंडीशन कर दिया गया दलितों को, स्त्रियों को, और आपने सही कहा, मैं उनका नाम भूल गई, अध्यक्ष बलराज जी हैं, उन्होंने बहुत, हमारा तो जब इंसान पैदा हुआ सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इंसान के बाद परिवार है, हम परिवार से ही अन्याय शुरू करते हैं, हम परिवार में ही रिश्ते देखिए, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ये सारे रिश्ते हैं, और पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है, हम वहीं से अन्याय शुरू करते हैं। तो अन्याय करना, बच्चा जब पैदा होता है वो पकड़ सबके मुँह में डालता है, हर चीज़ कब्जा करने की बात करता है, तो ये मनुष्य की प्रकृति है, इसको जब काबू करके हमने दूसरों के साथ जीना सिखाया
उसी को आप सभ्यता कहते हैं, वही सभ्यता की तरफ हम ले जाते हैं। तो हम सभ्य होने की प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखे भी और बहुत कुछ गवाए भी, क्योंकि सभ्य होने की प्रक्रिया में हम श्रेष्ठ भी बन गए और दूसरों को छोटा भी कर दिया। तो सभ्यता ने जितना हमें परिष्कार किया उतना हमें विकृत भी किया। इसलिए आदिवासी समाज में जाइए, वहाँ बराबरी है, वो प्रकृति न्याय पर जाता है। सामाजिक न्याय प्रकृति न्याय में भी फर्क होता है। प्रकृति न्याय उसको होना ही है, उसको हो रहा ही है, रिजल्ट वो निकल रही है, दो और दो चार जैसे होता है। लेकिन सामाजिक न्याय दो और दो चार नहीं होता है, सामाजिक न्याय मनुष्य पर डिपेंड करता है। तो मनुष्य की अवधारणा अगर सही होती है तो इसलिए एक बात तो आप याद रखिए, हर दलित साहित्यकार जो दलित घर में पैदा हुआ हो, जरूरी है कि वो दलित साहित्यकार हो। वो हनुमान चालीसा लिखे और कहे मैं दलित घर में पैदा हुआ तो दलित साहित्यकार नहीं हो सकता। वो अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस पर चलने की बात करता है तो हम उसको दलित साहित्यकार मानते हैं। मेरी अवधारणा है, आप भी डिफर कर सकते हैं। जब तक वो अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा को फॉलो नहीं करता है वो दलित साहित्यकार नहीं कहला सकता है। इसलिए ये बात क्लियर। जब आपने ये अंबेडकर आदेश नाम रखा, मुझे अच्छा लगा कि महाराष्ट्र में भी अंबेडकरवादी साहित्य का चलन हो गया है, क्योंकि दलित शब्द को भी लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। अब लोग कहने लगे जो वर्गीय गरीब है, अब वर्गीय गरीब तो हमारे यहाँ ब्राह्मण भी होता है, बहुत गरीब। लेकिन आप पायलम बाबा जी जरूर बोलेंगे उसको। बोला 80 साल का बूढ़ा दलित और 5 साल के बच्चे को ब्राह्मण को बोलता है पायलम बाबा जी। ये सामाजिक न्याय, तो उसको समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा, ये सब प्रतिष्ठा है, ये पहचाने अलग अलग है। तो जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपका मनुष्य होने का जो आपका रुतबा है समाज में वो क्या है ये नापा जाता है। आपके पास धन कितना ये नापा नहीं जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो मार्क्स ने एक बार कहा था, दूसरे ने भी कहा कि हिंदुस्तान में वर्ग के अलावा एक वर्ण भी है। तो वर्ण के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। आपके पास 1,00,000 रुपया हो लेकिन जगजीवन राम की मूर्ति को ब्राह्मणों ने धोए दिया गंगा जल से, उद्घाटन किया था मूर्ति का बनारस में। नहीं नहीं, संपूर्ण विश्वविद्यालय में जो है उसकी मूर्ति को धोया। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँ, और इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है, याद रखिए। हारे हुए लोगों का इतिहास नहीं। तो अगर अम्बेडकरवादी साहित्य को आगे बढ़ना है, आंदोलन चलाना है, तो हमें, हम नहीं कहते किसी पर हमला करो, लेकिन हमें विजेता तो बनना पड़ेगा। अपने पर काबू पाना पड़ेगा, हम अपने पर भी काबू पाए। और आप बस ने खतरा बताया, हम जो राष्ट्रपति को मिलने को लड़ाई रहते हैं, हम जो पद पाने को लड़ाई रहते हैं, हम थोड़ा कुर्बानी करने को भी तैयार नहीं। हमें जेल जाना पड़ सकता है आज के युग में, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। और एक बात, अंतिम बात कहते कि हमें हमारी संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने यह सिखाया कि जो काम करता है, मेहनत करता है, उपजाता है, वो छोटी जाति है, और जो दूसरे को ठगता है, आतंकित करता है ज्ञान से, वो बड़ा। जो लाठी से आतंकित करता है वो क्षत्रिय, वो बड़ा। और जो बढ़ियागिरी करता है, ठगता है तोड़ में, वो बड़ा। यानी जो मेहनत करता है वो छोटा,
आपको इसको उलट के कहना है, जो मेहनत करता है वो बड़ा, और जो आतंकित करता है ज्ञान के बैठे के बिना अपनी किताब लेके बैठे रहो बाबू, हम मेहनत करके देश को बढ़ाएंगे, वो जो नीचे है वो बड़ा और आप छोटे, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है और आगे भी बढ़ना पड़ता है। और एक बात याद रखिए, अभी 25-26 तारीख को हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें आपको पूरी सूचना मिल जाएगी, मैंने पर्चा बांटा भी है। 25-26 तारीख को साहित्य अकादमी के सहयोग से रमीका फाउंडेशन एक सम्मेलन कर रही है, हम लोग अब तक 44 भाषाओं का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, 44 लैंग्वेज, 11 तो दलितों की भाषाओं का अनुवाद हमने किया, तो दलितों की अपनी अलग भाषा नहीं है, यानी देश की भाषा है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करके हम लोगों ने स्पेशल इशू निकाले और वो जोड़ दिया पूरे भारत को, दलितों को, गुजरात के दलितों को, महाराष्ट्र के दलितों को हम लोगों ने जोड़ा, पंजाब के दलितों को, लोगों में भ्रम था कि पंजाब में दलित नहीं होता है, यानी भावना कम है, पंजाब में भी वैसी भावना जैसी आप तो ये है, आप सब लोग उसमें आमंत्रित है, जिनको नहीं मिलेगा वो भी उसमें आएंगे, और उसमें यही विषय है, पत्रिकाओं में, लघु पत्रिकाओं में दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन के विकास में कितना योगदान दिया, यही यही है, और उसमें सबका धन्यवाद।